पार्ट छ, धारा विद्युत, फिजिकल साइंस, क्लास 10। आज हम इस यूट्यूब वीडियो में धारा विद्युत से 2020 में जो प्रश्न बोर्ड की तरफ से बना था उन प्रश्नों को देखेंगे। सिलेबस हमें याद हो चुका होगा, 6 का 1, 6 का 2, 6 में 2 में इतने सारे हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5 मिनट का काम है। अच्छी तरह से आपका अगर 10, 15, 20 मिनट भी लगे तो आप याद कर लीजिए, अगर याद नहीं किए हैं तो। अब हम देखने जा रहे हैं कि किस टॉपिक से कौन सा प्रश्न बना है 2020 में। देखिए प्रश्न है, यहां पर दोनों एक तरफ कर दे रहा हूं, विद्युत आवेश से संबंधित कूलम का नियम लागू होता है जब दोनों आवेश एक बिंदु एक गोलाकृति हो, दोनों गोलक आकृति हो, एक बिंदु हो, एक वर्धित हो, दोनों बिंदु हो। देखते हैं यह प्रश्न कहाँ से आया है। तो ये प्रश्न है धारा विद्युत है, यहाँ से इसके अंदर से आया है। धारा विद्युत के अंदर से यह प्रश्न बना है। पढ़ते समय धारा विद्युत, विभवांतर, विद्युत वाहक बल, ये जो टॉपिक है इसको अच्छी तरह से अगर आप कोई पढ़ा होगा तो इसका उत्तर दे पाएगा। आगे देखते हैं, फ्यूज तार की विशेषताएं हैं। अगर आपका स्कूल में पढ़ाई हो चुका है ये वाला और फिर भी आप उत्तर नहीं दे पा रहे हो तो ऐसा पढ़ाई से फिर नहीं होने वाला। गहराई से किताब निकालिए, अच्छी तरह से पढ़िए, पेंसिल हाथ में लेकर। सर जब पढ़ाएं तो ध्यान से देखिए, कोई टॉपिक छूटिए नहीं। फ्यूज तार की विशेषताएं हैं, उच्च प्रतिरोध, उच्च गलनांक, निम्न प्रतिरोध, निम्न गलनांक, निम्न प्रतिरोध, उच्च गलनांक, उच्च प्रतिरोध, निम्न गलनांक, ये फ्यूज तार की विशेषताएं हैं। अब ये कहां से आया है, देखिए घरेलू परिपथ में फ्यूज तार का प्रयोग होता है, आप जानते हैं फ्यूज जो लगाते हैं आप, जड़ जाता हटाते हैं ना, वहां से। आगे एक यंत्र का नाम लिखिए जिसमें विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। एक नंबर, विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। अब आपके सामने है ये कुछ यंत्रों के नाम, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, विद्युत जनरेटर, विद्युत घरेलू विद्युत परिपथ। यहाँ पर विद्युत जनरेटर है और विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, ये दो उपकरण हैं, यंत्र हैं। अब इसमें से क्या होगा आप समझ सकते हैं, यहीं से प्रश्न है। वही दोनों में से कोई एक उत्तर होगा इसका। आगे घरेलू परिपथ में लाइव वायर के अतिरिक्त अन्य दो तार कौन कौन है। तो लाइव वायर के साथ साथ और कौन कौन सा तार होता है घरेलू परिपथ में, तो घरेलू विद्युत परिपथ देख रहे हैं, तो इसमें पूछा गया है। आगे है विद्युत वाहक बल एवं विभवांतर में एक
समानता और एक असमानता का उल्लेख कीजिए। एक प्लस एक समानता के लिए एक, असमानता के लिए एक। तो विद्युत वाहक बल एवं विभवांतर में, आप समझ रहे हैं ये प्रश्न कहाँ से पूछा गया है। विद्युत धारा, विभवांतर, विद्युत वाहक बल, विभवांतर और विद्युत वाहक बल, यही से ना। ठीक है, समानता असमानता। अब आते हैं, देखिए दो नंबर का प्रश्न है, पर वन प्लस वन करके दे दिए हैं। चार का छ, थ्री मार्क्स का है, अथवा करके दो दिया रहता है। तो थ्री मार्क्स का प्रश्न तो रहेगा, मैं एक पढ़ रहा हूँ, देखिए। समान लंबाई के दो धातु चालकों ए और बी की प्रतिरोधकता क्रमशः 1.6 × 10⁻¹⁸ ओम मीटर और 3.2 × 10⁻¹⁸ ओम मीटर है। दोनों चालकों को समान विभवांतर में अलग अलग जोड़ दिया जाता है। प्रत्येक में समान विद्युत धारा प्रभावित होने के लिए दोनों के अनुप्रस्थ काट का अनुपात क्या होना चाहिए। देख रहे हैं कितना आसान, सहज, सरल सवाल है। ये जो है आपका प्रतिरोधकता एवं चालकता, यहां से प्रश्न बना है। अथवा करके देखिए, दो 10 ओम प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन के साथ 20 ओम प्रतिरोध को समानांतर क्रम में जोड़ दिया गया है। अंतिम संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। यह जो प्रश्न है आपका ये है, प्रतिरोधों का श्रेणी एवं समानांतर क्रम में संयोजन, घरेलू परिपथ, यहाँ से प्रश्न पूछा गया। इस तरह से पूरा हुआ 2020 के प्रश्न पत्र। अब जब प्रश्न सामने आ गए हैं तो आपके मन में उत्तर जानने के प्रति जिज्ञासा जरूर होगा, बेचैनी होगा, उत्तर क्या होगा इसका। क्या उत्तर पता हो जाने से बात हो जाएगा खत्म? नहीं, हमें टॉपिक को समझना है अच्छी तरह से, उसके बाद अपने आप उत्तर आपको आ जाएगा, आप लिख पाएंगे। फिर भी अगर हम ये उत्तर चाहते हैं तो और एक कारण है, हम सोचते हैं कि पहले उत्तर पता हो जाए, हम उसे लिख लें, याद कर लें, फिर टॉपिक जब पढ़ेंगे तो उत्तर हमारे पास रहेगा। तो कुछ बातें हम पहले से जान गए हैं, और जब उस टॉपिक को पढ़ेंगे और अच्छी तरह से टॉपिक तैयार हो जाएगा तो वहाँ एक और ये भी रास्ता है। माध्यमिक में आए हुए प्रश्नों का उत्तर अगर हम समझ लें, याद कर लें, फिर जाकर टॉपिक को पढ़ें, तो ये दूसरी तरफ से टॉपिक की तैयारी करना जो हुआ वो भी अपने आप में अच्छा है, उस गहराई तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हैं। अगर यही बात है तो मैं आपको उत्तर बता दे रहा हूं। चलिए, थोड़ा समय लगेगा, लिखकर बताना पड़ेगा। विद्युत आवेश से संबंधित कूलम का नियम लागू होता है जब दोनों आवेग, तो यहाँ पर दोनों आवेश, यहाँ पर आप याद रख सकते हैं, विद्युत आवेश से संबंधित कूलम का नियम कब लागू होता है। दो शर्त है, मैं उत्तर ही बता दे रहा हूँ, टॉपिक के हिसाब से आप इसे याद भी रख सकते हैं। हालांकि विद्युत आवेश क्या है, कूलम क्या है, इसे तो आपको थोड़ा पढ़ते समय समझ लेना होगा।
तो विद्युत आवेश से संबंधित कूलम का नियम लागू होता है जब दोनों आवेश क्या होते हैं, देखिए मैं आपको लिख दे रहा हूं, दोनों बिंदु हो, दोनों आवेश क्या हो, दोनों बिंदु हो, ठीक है, ये आवेश के क्षेत्र में हो रहा है बात। दोनों बिंदु हो, आगे है दोनों आवेश के बीच की दूरी, दोनों आवेश के बीच की दूरी क्या हो, आई एफ से बड़ा हो, ये दो शर्त है और इस दृष्टिकोण से आपका उत्तर क्या होगा आप समझ सकते हैं। एक बिंदु एक गोलाकृति हो, दोनों गोलक आकृति हो, एक बिंदु हो एक वर्धित हो, दोनों बिंदु हो, देखिए दोनों बिंदु हो, यहाँ से एक शर्त दिया हुआ है, हो गया। अगला तो ये उत्तर होगा, दोनों बिंदु हो। फ्यूज तार की विशेषताएं हैं, अब जो फ्यूज तार है लगाया जाता है, जब स्विच देखते हैं ना ऑन ऑफ करते हैं उसके बगल में रहता है, निकाल लेते हैं डालते हैं वाला, निकालने से ऑफ हो जाता है, तो फ्यूज तार की क्या विशेषता है, उच्च प्रतिरोध निम्न गलनांक, उच्च प्रतिरोध उच्च गलनांक है, उच्च प्रतिरोध निम्न गलनांक, ये आपका उत्तर है। आते हैं आगे, एक यंत्र का नाम, तो एक ये उच्च प्रतिरोध निम्न लिखने की जरूरत नहीं है, बता दिए, एक यंत्र का नाम लिखिए जिसमें विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में, तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक मोटर जो होते हैं ना, इलेक्ट्रिक मोटर में विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होते हैं, जनरेटर भी आप बोल सकते हैं, जिसमें आपको क्या होता है विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ठीक है, आप उत्तर में इलेक्ट्रिक मोटर का प्रयोग करिएगा। आते हैं आगे, घरेलू परिपथ में लाइव वायर के अतिरिक्त अन्य दो तार कौन कौन है, तो लाइव तार के अलावा अन्य दो तार हैं वो क्या है, एक है आपका अर्थ वायर, दूसरा है उदासीन वायर, ये दो वायर हैं और तीसरा तो जानते ही हैं लाइव वायर है, ये तीन वायर रहते हैं, तो लाइव वायर का अतिरिक्त दो वायर का पूछा गया है। विद्युत वाहक बल एवं विभवांतर में एक समानता एवं एक असमानता का उल्लेख कीजिए, विद्युत वाहक बल एवं विभवांतर में एक समानता, समानता क्या है कि दोनों की इकाई जो होता है ना वो वोल्ट होता है, ये समानता है, दोनों की इकाई वोल्ट होता है। अच्छा असमानता क्या है, असमानता यह है कि विद्युत वाहक बल का मान हमेशा विभवांतर से अधिक होता है, विद्युत वाहक बल का मान हमेशा विभवांतर से अधिक होता है, दो हो गया, एक असमानता और एक समानता। अब प्रश्न में आते हैं हम लोग,
समान लंबाई के दो धातु चालकों ए और बी की प्रतिरोधकता क्रमशः, अब सोच रहे हो कि उत्तर लिख के बता देते तो अच्छा रहता, तो समझ में उत्तर तो समय ज़्यादा लग जाएगा, समझ में आ रहा है, लिख के तो बता रहा हूँ कैसे पूरा लिखित रूप में बता दिया जाता तो ठीक रहता। ओके, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एक का सात, एक का सात जो है आपका डी नंबर होगा, फिर एक का आठ कभी डी है, दो का आठ यंत्र का नाम है विद्युत मोटर, देखिए पंखा का जो मोटर है उसमें करंट जाता है और वो चलने लगता है, यांत्रिक ऊर्जा बदल जाता है, विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा परिवर्तन, दो का नौ अतिरिक्त अन्य दो बार कौन कौन है, अन्य दो है एक नंबर लाइव वायर तो हो गया, अर्थ वायर और दो नंबर उदासीन न्यूट्रल हो गया। इसके बाद है आपका विद्युत वाहक बल एवं विभवांतर में समानता असमानता, समानता दोनों की इकाई एक जो इकाई दोनों का है बोल्ट, है ऐसे लिख देंगे, असमानता ऐसे बुलेट करके दोनों में अलग अलग कर दें, दोनों की इकाई बोल्ट है। अच्छा असमानता क्या है, असमानता विद्युत वाहक बल का मान सदैव विभवांतर से अधिक होता है, हो गया। अब ये सवाल चार का छ, समान लंबाई के दो धातु चालकों ए और बी, अभी आपका पढ़ाई नहीं हुआ अगर आप और उसके बाद देख रहे हैं तो शायद आपको समझ में ना आए, फिर से एक बार पढ़ाई जब पूरा हो जाए स्कूल में तब दोबारा आप इस वीडियो में आकर उत्तर दिखेगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो समान लंबाई के दो धातु चालकों ए और बी की प्रतिरोधकता क्रमशः 1.6 × 10⁻⁸ ओम मीटर और यह है, ठीक है, ए की प्रतिरोधकता इतना है, बी की प्रतिरोधकता इतना है, दोनों को प्रतिरोधकता दे दिया है। अच्छा दोनों चालकों को समान विभवांतर में अलग अलग जोड़ दिया जाता है, तो समान विभवांतर में अलग अलग जोड़ दिया गया है, तो प्रत्येक में समान विद्युत धारा प्रवाहित होने के लिए दोनों का अनुप्रस्थ काट का अनुपात क्या होगा, समान विद्युत धारा प्रवाहित करना है तो अनुप्रस्थ काट का क्या होगा, देखिए
चार का छह है। हम ए चालक की प्रतिरोधकता और बी चालक की प्रतिरोधकता लिख लेते हैं। चालक ए की प्रतिरोधकता, कहाँ से सवाल बन रहा है वहां समझा, अभी उतार रहे हैं हम लोग, सवाल नहीं बना रहे हैं। ये चालक की प्रतिरोधकता कितना है, 1.6 × 10⁸ −8 ओम मीटर। ये सवाल उतारा गया है, हम कुछ उतारने को ही समझ लेते हैं कि सवाल बना रहे हैं, ऐसा नहीं है। अभी चालक बी की प्रतिरोधकता 3.2 × 10⁸ −8 ओम मीटर। देखिए इसका ये डबल है, दो गुना है, समझ रहे हैं? इसका अनुपात अगर निकालेंगे, किसका, प्रतिरोधकता का अनुपात। अब सवाल बना रहा हूँ, चालू हो गया। प्रतिरोधकता का अनुपात क्या हुआ, ए इज टू बी का अनुपात, यहाँ पर मैं दिखा दूँ, ए इज टू बी बराबर क्या हो जाएगा, ये देखिए इधर समान है ना, 0.1.6 16×32 दो गुना है, 1:2 हो गया। और एक चीज़ याद रखेंगे आप, यहाँ पर हम लोग जो प्रतिरोधकता का जो अनुपात है ना, याद रखिएगा कि ये प्रतिरोधकता का अनुप्रस्थ काट के विलोम अनुपात ही होता है। ये अनुप्रस्थ काट का पूछा है, देखिए अनुप्रस्थ काट का अनुपात क्या होगा, तो अनुप्रस्थ काट जो होता है प्रतिरोधकता का विलोम अनुपात ही होता है। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, चूंकि चंद्रबिंदु नहीं भी दे सकते हैं, आप सर जी से पूछ लीजिएगा, चूंकि प्रतिरोधकता क्या होता है, अनुप्रस्थ काट में थोड़ा सा इसको घेर दिया ताकि दोनों एक जैसा ना लगे, ये अलग है। प्रतिरोधकता अनुप्रस्थ काट का या के विलोम अनुपाती होती है। प्रतिरोधकता क्या होती है, अनुप्रस्थ काट के विलोमानुपाती होती है। आप अनुप्रस्थ काट का अनुपात पूछा है तो क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा, हो गया। इसलिए देखिए दोनों के अनुप्रस्थ काट का अनुपात क्या होगा, तो दोनों के अनुप्रस्थ काट का अनुपात क्या होगा, 1:2 है तो 2:1 होगा, हो गया आंसर। हुआ सवाल कहाँ था, देखिए सब समझ पर है। ये तो आपका चालक की प्रतिरोधकता, बी चालक की प्रतिरोधकता हो गया, दोनों का अनुपात निकाल दिए, 1:2 दोनों का अनुपात 1:2 हो गया। देखिए 16×32 हो गया। अब हमें ये पता है कि प्रतिरोधकता जो होता है अनुप्रस्थ काट के विलोम अनुपात ही होता है। प्रतिरोधकता क्या होता है, अनुप्रस्थ काट के विलोम अनुपात ही होता है दोनों, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो दोनों का अनुप्रस्थ काट का अनुपात क्या होगा, इसका उल्टा अनुपात, 1:2 है तो 2:1 हो जाएगा, ये आंसर है। अब इसके लिए आपको 3 नंबर मिलेगा, समझ रहे हो कितना आसान से दिया गया है, गहराई समझना प्रश्नों को जरूरी है। ये उत्तर देख रहे हैं यहाँ से, देखिए
अच्छा अथवा करके एक क्वेश्चन है उसको भी कर देता हूँ। ये देखिए अथवा करके जो था, 2-10 ओम प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन के साथ 20 ओम प्रतिरोध को समानांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। अंतिम संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए 2-10 ओम प्रतिरोधकों के श्रेणी क्रम है, तो क्या है श्रेणी क्रम संयोजन के साथ 20 ओम प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ दिया गया है, तो क्या हो रहा है उत्तर दिखा रहा हूं, 3 नंबर का है अथवा ना, चार का छोड़ दे रहा हूं। पहले क्या है जो दिया होगा हम उसको लिख दे, 2-10 ओम प्रतिरोधकों के श्रेणी क्रम संयोजन, यह ध्यान दीजिए प्रश्न का अच्छा से बोला है, 2-10 ओम प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन के साथ, मतलब श्रेणी क्रम संयोजन निकाल लें उसके बाद उसके साथ फिर आगे बढ़ेंगे, यहां तक अभी बनाएंगे। 2-10 ओम प्रतिरोधों के, मात्रा गलत नहीं लिखेंगे, प्रतिरोधों को लिख दे, कोई भी कोई बात नहीं, के भी लिख देने से चलता, श्रेणी क्रम 2-10 ओम प्रतिरोधों को का श्रेणी क्रम में संयोजन का कर दे रहा हूं, काट दीजिए, 2-10 ओम प्रतिरोधों को का श्रेणी क्रम में संयोजन हो गया। तो क्या देखो भैया, तुल्य प्रतिरोध इसको कर दीजिएगा, या अंडरलाइन करना था अंडरलाइन कर देंगे, तो तुल्य प्रतिरोध R बराबर क्या हुआ, R1 प्लस R2, तो पहला का 10 दूसरा का 10, दो को निकालना है, 10 10 कितना हो गया 20, हो गया 20 ओम हो गया। अब क्या बोला है, 7-20 ओम प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ दिया गया है, समांतर क्रम में जोड़ दिया गया है, तो समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, इसलिए समतुल्य प्रतिरोध R, ठीक है, क्या होगा आपका, ये हो गया आपका समतुल्य प्रतिरोध के लिए, आप चाहे तो सीधा सीधे यहाँ पर ऐसे लिख दीजिए नियम, इसको हटा दीजिए, समतुल्य प्रतिरोध पूछा है ना, इस लेकर के सीधा बना दीजिए, 1/R सूत्र बिठा दीजिए, 1/R1 प्लस 1/R2, समतुल्य प्रतिरोध पूछा गया आपको, तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है कि दो प्रतिरोध 20 ओम हुआ और इधर 20 ओम, तो दोनों को समांतर क्रम में जोड़ दिया गया है, इसलिए इसका प्रतिरोध ऐसे कुछ उतना ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, तुल्य प्रतिरोध ए हो गया 20 कम, अब ये सूत्र लिख दे, मान निकाल दीजिए हो जाएगा, तो 1/R1 R2 है, R1 R2 देख रहे हैं, 10 और 10, अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि R1 R2 मिलकर 20 जो हुआ है, इसमें जो ये आपका है 20, 10 दो प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में संयोजन के साथ 20 ओम प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा गया, ये दोनों को लेकर हो गया 20, ये 20, यहाँ R1 हो जाएगा 20, दोनों को जोड़ने के बाद 20, ये R1 हो जाएगा और ये यहाँ पर
एक और बीस है, आठ टू हो जाएगा, इन दोनों को ठीक है। तो आर वन की जगह हो जाएगा बीस, यहाँ पर भी हो जाएगा बीस। बोलिए समझे। दो दस ओम प्रतिरोध के श्रेणी क्रम संयोजन के साथ, इसके साथ दो दस प्रतिरोध श्रेणी क्रम कितना आया, बीस आया। बीस के साथ बीस ओम प्रतिरोध को क्या करना, समांतर क्रम निकालना है। तो आर वन आर टू हो गया, आर का मान निकालना है समतुल्य प्रतिरोध। अब आप समझ गए कैसे बनेगा, लसा बीस से होगा वन वन टू हो गया, काट दे तो होगा दस, ऐसे ऐसे गुना कर दें तो आर बराबर हो गया दस ओम। ये हो गया आपका उत्तर, समझे। ये उत्तर देखिए, तुल्य प्रतिरोध ये हो गया, फिर आर वन बटा आर वन ऐसे लिखकर आप इसका मान मिटा देंगे, ये आपका पूरा नंबर मिल जाएगा, तीन नंबर का है। तो इस तरह से आपने देखा, इतना से मैं ही आपका 12 नंबर का समाधान हो गया, या 8 नंबर का जो भी होगा। 2020 जरा हम जानते हैं लॉकडाउन का पीरियड था, तो कुछ नंबर कम आए हुआ इसमें से, ये तीन तीन छः में से तीन, चार पाँच छः सात आठ नौ, इस साल नौ मार्क्स नाइन मार्क्स आया था 2020 से। कैसा लगा, तैयारी जमकर ऑन करना है, करिए, बनाइए, सर जी को दिखाइए अपने उत्तर में कहाँ कमी है, कैसे है बताइएगा। और जिन बच्चों को जरूरत है उनको शेयर भी करिए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि विज्ञापन चले और पैसा मुझे मिले। जितना ज़्यादा पैसा मिलेगा उतना ज़्यादा टाइम दूंगा।